नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जी यूपी के। कुशीनगर में चोरी से नेपाल भागने की फिराक में गन्ने के खेतों से छिपकर भाग रहे 12 जमाती को रामकोला और कप्तानगंज थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए जमातियों को रामकोला के पास बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। सेंटर में सभी जमातियों की स्क्रीनिंग भी की गई, जिसमें कोई भी गंभीर बात सामने नहीं आई है। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने का निर्देश जारी किया। सभी जमाती पड़ोसी देश नेपाल सिरहा जिले के रहने वाले हैं, जो फरवरी में कुशीनगर आए थे। तब से विभिन्न मस्जिदों नमाज में पर्दे थे। लॉकडाउन होने के बाद भी ये मस्जिदों में छिपे थे और मौका देखकर नेपाल भागने की फिराक में थे। पेशे कुशीनगर से गुड नुसाद की खास रिपोर्ट। इनसे पूछताछ किया गया तो ये बता रहे हैं कि नेपाल के सिरहा जिला है, वहाँ से ये लोग चले हुए थे 23 फरवरी को। यहाँ आने के बाद जो है विभिन्न जगहों पर रहे, मस्जिदों में रहे। जब लॉकडाउन हो गया तो यहाँ के जो इमाम हैं उन लोगों ने इन लोगों को निकाल दिया, जिसके कारण ये इधर उधर भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में है, 12-13 लोग हैं, तो ये ना कहीं सवाल है कि आखिर इतनी संख्या में एक साथ जा रहे हैं, जबकि ये कहा गया है निश्चित दूरी है ऐसे समूह में न जाने के लिए। तो क्या किया जा रहा है, इनको कहाँ रख रहे हैं? जहाँ कप्तानगंज में है तो इनकी संख्या 14 पाई गई है, इनकी जांच कराई गई। और सुबह से यहाँ एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है दलदपट साई में, यहाँ पर भोजन खाने की व्यवस्था भी है। अभी ये लोग पुलिस बल के माध्यम से हम लोगों ने इनको पकड़ाया है और ये यहाँ पर लाए गए और इनका मेडिकल चेकअप कराया गया है। सबका टेम्परेचर नॉर्मल निकला है, इनको एक बड़े हाल में अंदर दाखिल कर दिया गया है और इन्हों समझा दिया गया है कि 14 दिन तक आप लोगों को कहीं नहीं जाना आना है।